ओनली साड़ी आई वोट गर्ल आई वांट 50% शेयर না হলে ডাল ভাত তো ভেরি ইনকমপ্লিট ভিচ ইজ ঝুরঝুরি আলু ভাজা এটা কি গো ও ওয়াও ইয়ে তো বহুত কুছ নয়া চিজ হে জো মে খা রহি হু ফার্স্ট টাইম আজ তক কিউ নি বানায়া কবি শুধু পেপে শুদ্ধ জানে খাওয়াতে আই লাভ ইলিশ মাছ উইথ ডিম চিজু কো ভি প্লেট চাইয়ে হ্যাঁ গুড মর্নিং ফুড ফ্যাম চিজু ভি আয়া আজা গুড মর্নিং ফুড ফ্যাম এন্ড ওয়েলকাম টু মাই ওয়ার্ল্ড অফ সিনফুল ইটিং अगर आप लोग मेरी स्टोरीज देख रहे हैं यूट्यूब की स्टोरीज या इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हैं देन यू नो दैट आई हैव जस्ट कम बैक फ्रॉम रायपुर आई नो मैं ये वीडियो थोड़ा लेट डाल रही हूँ बट मैं कल ही रायपुर ट्रिप से आई हूँ ऑडिट के लिए आई वेंट देयर सो नाउ फाइनली आई एम बैक एंड टुडे आई एम गोना अटेंड अ वेरी इंपॉर्टेंट सेरेमनी जिसके लिए मुझे आज आना पड़ा नहीं तो आई थिंक और दो तीन दिन लग जाते तो बेसिकली द बंगाली फंक्शन इज मेरी सिस्टर की गोद भराई है अगर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हो तो आप लोगों ने देखा होगा मैंने उससे पहले भी एक गोद भराई का सेरेमनी अटेंड किया था जो उसके इन लॉज की तरफ से था बट ये वाला हमारी तरफ से होने वाला है सो बिकॉज अ लॉट ऑफ यू पीपल हैव बीन आस्किंग अबाउट बंगाली फूड फॉर 24 आवर्स खाओ 24 आवर्स तो देखो मैंने खा लिया लेट्स डू समथिंग डिफरेंट तो यस आज बंगाली निमंत्रण खेते जाबो हमरा सो या विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड मेक श्योर टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कर लो जल्दी से आई थॉट कि पहले मैं एक्सरसाइज कर लूँ उसके बाद नाश्ता करूँ बट आई थिंक पहले मेरे को नाश्ता कर लेना चाहिए नाउ ब्रेकफास्ट में टुडे आई एम गोना मेक अ वेरी 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 इंटरेस्टिंग रेसिपी आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई एम गोना शेयर अ रेसिपी नो आज मैं बनाने वाली हूँ एग टोस्ट ना आप लोग टोस्ट खाए होंगे वो जो एकदम डीप ऑयल फ्राई में करके पूरा अंडा पे फेट के ऐसे बना के खाते हैं विच इज डीम टोस्ट जिसका हमने बोली वो बनाऊंगी बट विद अ ट्विस्ट विद अ लॉट ऑफ वेजीज एंड स्टफ लाइक दैट सो लेट्स गेट इनटू द रेसिपी ऑफ वेजिटेबल डीम टोस्ट तो सबसे पहले एक बाउल ले लेंगे उसमें हम तीन अंडे फोड़ेंगे यहाँ पर मैंने गाजर ग्रीन कैप्सिकम और रेड कैप्सिकम काट लिया ये तीनों हम इसमें डाल देंगे और अगर आप चाहो तो टमाटर प्याज मिर्ची धनिया पत्ता सब डाल सकते हो बट आई एम नॉट प्रेफरिंग टू ईट इन द मॉर्निंग हाउ ब्यूटिफुल एंड कलरफुल दिस लुक्स नॉट जस्ट इमेजिन अगर ब्रेकफास्ट की शुरुआत आप इतने कलरफुल खाने के साथ करेंगे तो पूरा दिन कलरफुल और वाइब्रेंट और पॉजिटिव रहेगा एटलीस्ट ये मैं मानती हूँ इसमें नमक डालेंगे ब्लैक पेपर पाउडर डालेंगे चिली फ्लेक्स डालेंगे फिर इसको मिक्स कर लेंगे एंड बस मेरा टोस्ट डीम टोस्ट का बैटर रेडी है सिंपली हम ब्रेड लेंगे और ब्रेड को इसमें डिप करेंगे और फिर इसको पैन में हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे थोड़ा सा कुरकुरा फ्राई कर लीजिएगा तो टेस्टी लगेगा एंड या योर ब्रेकफास्ट इज गुड टू गो तो ये मेरा वेजिटेबल डीम टोस्ट रेडी है बट आप देख सकते हैं इसमें कितना तेल ले लिया सो इसका एक सोल्यूशन है खाने में देखो बहुत टेस्टी होता है इसलिए बना के खा रही हूँ इसका एक सोल्यूशन है आप दो तो चकली ना चमची ऐसे ले लो सेम और इसका तेल निकाल लो एक मिनट पकड़ के रखना सारा तेल निकल जाएगा वाला ये मेरा ब्रेकफास्ट आ गया विच इज लाइक सुपर टेस्टी ना आई नो दिस इज लाइक ऑयली एंड स्टफ एंड लिटिल अनहेल्दी एंड दिस विल रियली हेल्प मी गेन अ लॉट ऑफ वेट बट ठीक है और वैसे भी आज दोपहर को तो मेरे को भर भर के खाना खाना है रिच खाना फिश एंड फिश एंड फिश एंड फिश सो आज के लिए माफ सो दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक दिस इज सुपर गुड ओके सो दिस इज लोडेड विद वेजीज इट्स सॉफ्ट इट्स क्लाउडी द एग इज डेफिनेटली गोइंग टू गिव अ गुड यू नो अ सॉफ्ट टेस्ट बट सब्जी काफी अच्छा क्रंच देने वाली है इसका डेफिनेटली आई लव दिस थोड़ा सा डिफरेंट वेरिएशन एंड यू गेट अ गुड टेस्टी ब्रेकफास्ट आई थिंक मैं ना इसको डीप फ्राई नहीं करके ना वो कर सकती थी वो ओवन में नहीं होता है बेक आप एक बार घर में ये बेक करके ट्राई करके खा के बताना तो अगर आपका सक्सेसफुल हुआ देन आई विल आल्सो ट्राई बेक करके दिस सुपर गुड बट बेक से भी ज्यादा आई कैन एयर फ्राई आई नीड मेरे पास घी का जो एक प्रोडक्ट है ना जिसमें मैंने एक बार एयर फ्राई करके खाया था मैं उसमें एयर फ्राई करके खा सकती हूँ Why don't I use all this product? I have so many good things, but still I don't use. So coming to the taste is good. It's simply good. It's simply delicious. और केचप के साथ तो हर चीज माशाल्लाह delicious है. A few moments later. Woohoo! Finally, I am ready. Exercise done. Delicious breakfast done. And now I am all set to go for my Bengali nimontonno. But before that, cheers for Rexona for making this video possible. Making me feel fresh as simple food. As you all know that my life is all about traveling, either for office work or for shoots. But traveling ki ek cheez jo mujhe hamesha pareshan karti hai is weather, especially hot and humid weather, which leads to excessive sweat and my worst enemy, sweaty body odor. To avoid all this uneasy situation, I tend to use
टैल्कम पाउडर एवरी टाइम आई यूज टू स्टेप आउट ऑफ माई हाउस. ट्रस्ट मी, कुछ ही घंटों में एज यू स्टार्ट स्वेटिंग इट जस्ट फेड्स अवे एंड स्वेटी बॉडी ओडर कम्स बैक विच सडनली मेक्स यू फील नॉट सो फ्रेश एंड अनप्लेजेंट विथ ऑल द स्टिकीनेस अराउंड. डू यू फील द सेम? जस्ट लेट मी नो. वेल, नाउ आई नो दैट द ओनली वे टू प्रिवेंट स्वेटी बॉडी ओडर इज बाय यूजिंग अ डिओड्रेंट. एंड डू यू नो द रीजन बिहाइंड इट? बेसिकली व्हेन वी स्वेट द बैक्टीरिया इन आवर अंडर आर्म मिक्सेस विद द स्वेट एंड क्रिएट्स दिस स्वेटी बॉडी ओडर. बट डोंट वरी, बिकॉज Rexona Roll-On prevents the mixing of bacteria with the sweat. Easily I use Rexona Roll-On, which is world's number one deodorant. So every day right after I shower, I swipe the Rexona Roll-On deodorant 4 to 6 times in circular motion in each of my underarm and travel freely. Trust me, its wonderful fragrance makes you feel like shower fresh all day long. Rexona has motion activated technology that works harder as you move. So it helps protecting you from the body odor the moment you step out from the house, even in hot and humid weather. This has 0% alcohol and is dermatologically tested, which means it's completely safe to use every day. So I've shared the link of this product for you in the description box. Do not forget to check it out. And yes, I'm ready. वैसे उतना अच्छे से ready नहीं हुई हूँ, but because already trip का tiredness बहुत ज़्यादा है, so मेरे को बिल्कुल भी ethnic पहनने का मन नहीं कर रहा था. So I wore something like this, एकदम normal. आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि बंगाली निमंत्रण के रकम है. निमंत्रण मतलब बंगाली इनविटेशन. ऑल सेट टू गो. सिंधु रेडी? चलो सिंधु, चलो बैग ले लो, चलो. सबसे पहले ही सिंधु यहाँ पर आके सबसे पहले सिंधु खाएगा दही चावल, मम्मी का काम. की खेलो शक्ल देखे. उसके बाद कबाब সব বাচ্চাগুলো বসে আছে, বদমাশি করছে সব কটা. ইভেনি ফেভারিট বাচ্চি হ্যায়. তোর নামটা বল তো. আরা রিয়ানা বল. রিয়ানা, সিনজো ভি খানা না আয়েগা, বুনি খানা খালো, তুমি ভি খানা খালো. बहुत क्योस है, सो मैं इधर बालकनी में चुपके से इधर साइड हो गई. तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट विच आई एम ईटिंग हियर इज फिश कबाब. इन एनी बंगाली फंक्शन फिश कबाब इज अ मस्ट, एंड दिस इज भेटकी फिश कबाब. एंड आई डोंट नो हाउ इट्स गोना टेस्ट. सो आप देख सकते हैं द फ्लैश ऑफ द फिश. ये पका नहीं है क्या पूरा कबाब? ऐसे ही नहीं, ये थोड़ा सा पकना चाहिए था ना. क्या लगता है? कोई लोगों को तो पता ही नहीं है. तुम कब से खाते हैं नॉनवेज? वो तो खाता ही है पहले से. मेरे को लगता है ये कुक नहीं हुआ है ठीक से. मेरे को लगता है मेरा घर का खाना मैं बोल नहीं सकती. कच्चा है, लेकिन कच्चा है. दीदी ने बोला कच्चा है तो. वाओ, दिस इज गुड यार, नाइस. क्वालिटी ऑफ फिश इज रियल. घर के खाने में ही आपको अच्छा क्वालिटी, अच्छा टेस्ट मिल रहा है. केटरिंग वाले ने बनाया पिंका जी. तो क्या हुआ, सामान तो हम लोग का दिया हुआ है? नहीं. अभी मैं आराम से बैठ गई हूँ, एंड वो बिकॉज टू पीस मेरे को थोड़ा कच्चा मिल गया था, तो मेरे को वापस उन्होंने बोला कि वो शायद थोड़ा अंडर कुक्ड होगा. तो आई हैव गॉट अनदर पीस. सो दिस लुक्स क्वाइट फ्लैशी, आप देख सकते हैं. वाओ, दिस इज सो ट्रक है चीज. कौन सा खाने लेंगे, पनीर या फिश? दिस इज स्पाइसी, दिस इज टेस्टी. फिश तो कच्चा छोड़ो ना. से जी दे आर माय फूड फैन है ना. ये देखो मैं फूड फैन. वीडियो बोल रही हूं ना, बोलो दीदी को सब्सक्राइब करो जोर से. सब्सक्राइब 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 सब्सक्राइब. वेज में पनीर भी है, लेट्स ट्राई द पनीर. फिश कबाब इज वेरी स्पाइसी, वेरी नाइस. सो फिश और पनीर में ना द मैरिनेशन इज ऑल सेम, बट पनीर इज टेस्टिंग वेरी गुड बिकॉज यू नो अंदर बाहर का जो फ्लेवर है ना वो भी अंदर डाल चुका है. द पनीर इज वेरी सॉफ्ट ऑल्सो, बहुत टेस्टी भी. जबकि ठंडा हो गया फिर भी बहुत अच्छा लग रहा है. इट्स नॉट चूइंग. गहना, सोना, साड़ी, आज मम्मी शेफ इज नॉट वेरी नाइटी, ओनली साड़ी. एंड वी हैव दिस गर्ल, वी हैव दिस गर्ल. वीर बोलो को पहले आई वोट गर्ल. यहाँ मैं अपनी बहन के फंक्शन में खाना खाने आ रही हूँ, तो जैसे मैं बोली वीडियो करूंगी तो माय सिस्टर हैज समथिंग टू से. पैन द कैमरा. आई वांट 50% शेयर फॉर टेकिंग ऑल दिस वीडियोस.
एंड मेकिंग दी ब्लॉग. सो जो भी मैं ये खाना खा रही हूँ उसको आधा जो भी कमाई मेरा होगा इस वीडियो से उसका 50% उसको चाहिए. बोलो ये कैटरर का नाम मैं पूछ के बता दूंगी. अगर किसी को उनसे कराना है तो मेरे मेशो को कांटेक्ट करके करा लेना. ठीक है, सो प्लेट निकाल लेना. यहाँ पे द फर्स्ट एंड फर्स्ट थिंग विच वी हैव गॉट, यहाँ पर एक साइड प्लेट देते हैं, यहाँ पर ये काटा रखने के लिए डस्टबिन काइंड ऑफ छोटा सा देते हैं. सो यहाँ पे वी हैव गॉट द पॉम्फ्रेट कबाब और व्हाट, लेट्स ट्राई दिस. फ्लैशी नाइस यार. द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस बंगाली इवेंट, स्पेशली ये वाला जो इवेंट आज हो रहा है गोदबराई का इवेंट, इसमें सिर्फ फिश बनता है. सो देयर इज नो मटन, देयर इज नो चिकन, आई गेस सिर्फ फिश, ओनली फिश एंड फिश. हमने फिश कबाब खाया ना, लेट्स सी. हाँ लेबू चाहिए हमें, लेबू. Let's squeeze on some lemon juice on top. Honestly, I can't tell you, the fish is so fleshy. आप देख सकते हैं. Now all those fishes जो आज हम लोग खा रहे हैं ना, these are all good and premium fishes like भेटकी माछ, then pomfret माछ. एक टू गाने. We have बस 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 एक टू राइस. We have got लेबू, we have got नून. No काटा इन दिस. मेशो कौन कैटरर हो? वही कैटरर नाम की कैटरर है मैडम. ए मामा जा रे, मामा कैटरर नाम पे की कौन पोसाइडेड है कैटरर नाम. अच्छा कैटरर को नाम नहीं, महेश कैटरर. आई विल पुट डाउन द डिटेल्स बिलो के, बिकॉज़ द फूड इज वेरी गुड. आई हैव बीन ईटिंग दिस ऑलमोस्ट इन ऑल द फंक्शंस हमारे घर का होता है. सो यहां पर वी हैव गॉट मूंगेट दाल विद राइस, इट लुक्स सुपर टेम्प्टिंग. लेट्स डिग इन. बेस्ट पार्ट अबाउट यू नो बंगाली दाल इज इट्स मीठा, हल्का मीठा होता है. इट्स वेरी सटल बट वेरी नाइस, लिटिल स्वीट. तंदूरी पॉम्फ्रेट बहुत टेस्टी है. ओ झुरझुरी आलू भाजा विच इज यम. एटा ना होले दाल भात तो वेरी इनकम्प्लीट विच इज झुरझुरी आलू भाजा. झुरझुरी आलू भाजा इज बंगाली फूड्स, मतलब बंगाली कुजिन का लव. झुरझुरी आलू भाजा बेसिक आलू भाजा पतला पतला चिप्स की तरह बनाता है. Mommy to be, she is enjoying Ilish much with Dean. Trust me when I say this, मेरा जो भांजा होने वाला है ना, एकदम मछली खाने वाला भांजा बनेगा, मछली खाने वाला, एकदम हट्टा कट्टा भांजा या भांजा. ये क्या है बेटा की वो? लाउशा के चिंगड़ी माचेर पातुरी. वाह ये तो फर्स्ट टाइम मैं खाऊंगी, कुछ डिफरेंट ही है. वाह वाह की सुंदर यार, दिस इज यम. आई हैव नेवर एवर ट्राइड दिस. लाउ पाता खेना है कि माँ सत्य. ओ वाह दिस इज सो नाइस, नेवर एट दिस. एटा आगे एटा मैं खाई नहीं आगे को दिनों. हाँ मेशो एकदम भालो करे खाबो. वाह ये तो बहुत कुछ नया चीज़ है जो मैं खा रही हूँ फर्स्ट टाइम. मैं ये पत्ता खाऊंगी, एक बार टेस्ट करूंगी ये कैसा होता है. मम्मी आज तक कभी क्यों नहीं खिलाया ये मेरे को, आज तक क्यों नहीं बनाया कभी, शुद्ध पेपे शुद्ध गाने खाते हैं. दिस इज स्पाइसी, दिस इज वेरी मस्टर्डी टेस्ट. पत्ता ना दिस इज हल्का मीठा, एकदम जो जो ग्रीनी फाइबरी स्वीट नहीं होता वैसा है. ओ फैबुलस, हियर कम्स द इलिश माच. दिस इलिश माच का प्रेपरेशन आई लव. इसमें ना ना इटा उटा ही ना दो इटो दिए बनाना हो इलिश माच, दही वही सब डाल के बनाता है, दही सरसों. वो ये खाएंगे बट इससे पहले हम पहले लाऊ पाता चिंगड़ी खाते हैं. चिंगड़ा की दारून खेते हैं, बड़े बड़े चिंगड़ी. Fabulous. The chingdi is so well cooked. See, the bada bada chingdi hai. Yum. Spicy and good. Abhi I'll take this ilish mach. I love ilish mach with deem. I love ilish mach with deem. So let's pour on the curry. Lebu acha go. Let's mix this. Wow, fish is so fresh, so fleshy, white in color. और ये ना थोड़ा बड़ा बड़ा पीस है तो इसमें ना काटा थोड़ा कम रहता है. जो छोटा इलिश होता है ना उसमें बहुत काटा होता है. बट अगेन इसमें काटा तो डेफिनेटली है तो आराम से खाना पड़ेगा. एक बार राइस खा लेती हूँ क्योंकि इलिश माछ खत्म करने में मेरे को ना 2000 years लग जाएगा. I love माचे माचे डीम. Basically this is fish roe in English. मछली का अंडा, I love this. सीज़ू को भी प्लेट चाहिए. हाँ
अच्छा है ये वाला चीज बनाया है, सुंदर है कुछ ना वो बनाया, संडे है ना, संडे ही भीड़ रहता है इसीलिए इतना भीड़ है, कितना सुंदर बनाया है भाई। यहाँ पर न्यू टाउन साइड में कुछ अच्छा बनाया है। यस, आज का खाना बहुत अच्छा था, फेस्टिव बंगाली फंक्शन फूड वाज वेरी वेरी गुड। आप लोग अगर बंगाली फूड खाया तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अदर बंगाली फूड फैम, आई थिंक नाउ यू आर हैप्पी दैट आई हैव पुट डाउन दिस वीडियो। मैं तो सब थे भले लगे की लगे चलो भले মানে ইলিশ মাছ পমফ্রেট কা ও পমফ্রেট চিংড়ি চিংড়ি ইলিশ মাছ ওয়াজ ঠিক ঠাক বাট নো চিংড়ি লাউ চিংড়ি ওয়াজ সো গুড আই এর মে জো কাবাব কা ও ফিশ কাবাব ওয়াজ ভেরি ফিশ কাবাব আর পনির কাবাব। চিঞ্জু স্লিপিং ইয়া স্লিপি মিটি স্লিপি চিঞ্জু কো আ রহা হ্যায় নীন্দ আবি চিঞ্জু সো রহা হ্যায় মামা কে দেখ রহা হ্যায়। पार्टी से आने के बाद और मन नहीं था कुछ खाने का एंड स्टिल सीरियसली डिडंट ईट एनीथिंग बट एनीहाउ मॉम हैज इज मेकिंग सम बंगाली फैनाबाद फॉर मी, शी इज सो स्वीट। अभी 12 बज रहा रात के बट या लेट्स सी फैनाबाद खाबो। मम्मी वापस आ चुकी है नाइटी में, मैं तो मैं नाइटी सोना तो बस शाड़ी सोना गा कोथा गेलो मेरा फैनाबाद गरम गरम फैनाबाद एर मध्ये लंका जाबे आलू दिए लंका फैनाबाद खाबो। हिट लाइफ फॉर फैनाबाद, हिट लाइफ फॉर बंगाली फूड, हिट लाइफ फॉर मम्मी शेफ, हिट लाइफ फॉर प्रिंसिपल फूडी, हिट लाइफ फॉर पापा शेफ, हिट लाइफ फॉर सिंजवा, हिट लाइफ फॉर पिटूबिया, हिट लाइफ फॉर प्राची, हिट लाइफ फॉर बारू, हिट लाइफ फॉर एवरीवन। बस पता नहीं क्यों रात को ही मेरे को इतना जोश आ जाता है, रात को नींद नहीं आता है, रात ही को भूख लगता है पूरा। ओ भगवान जी, हिट लाइक बोला सिंसुबा आ गया, सिंसुबा सिंसुबा हिट लाइक सो ये आ गई मैं अपने वर्क टेबल पे। अभी मैं काम ही कर रही थी, वीडियो एडिट ही कर रही थी, सुपर एक्साइटेड फॉर माई अपकमिंग ड्रीम ट्रिप। ओ माई गॉड, आई डोंट नो, गेस करो मैं कहाँ जा रही हूँ। 5 सितंबर को मैं जा रही हूँ, उसके लिए मेरे को थोड़ा सा पतला होना है, वो ठीक है मैनेज कर लेंगे। तब तक गेस करके बताओ मैं कहाँ जा रही हूँ। अभी मैं खाती हूँ। माय गॉड, दिस इज सच अ सोलफुल बंगाली फूड। हम लोग बंगाली में तो हमारे बोले फैनाबाद। आपके आप लोग ये राइस खाते हो कि नहीं मेरे को कॉमेंट करके बताओ। और आप लोगों का स्पेशल जो आप लोगों को फेवरेट है ना कोरियन, उसमें से कहते हैं कौनजी राइस। This is so comforting, so soulful, it's so good. Since I love this,